कासिम से विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार एवं वाल्मीकि समाज द्वारा कोट कासिम में वाल्मीकि जयंती पर जागरण सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष राष्ट्रवादी संत भास्कर भारद्वाज और उनकी टीम ने वैदिक मंत्रों से वाल्मीकि जी महाराज का पूजन कराकर कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामेश सिंह यादव ने वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि जी महाराज की प्रतिमा को तिलक लगाकर माल्य अर्पण किया। मुख्य अतिथि रामेश सिंह यादव ने कहा, पावन अवसर पर कहा, व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से और कर्मों से की जाती है, इसलिए हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जब जाकर श्री राम भगवान और वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं अध्यक्ष के रूप में रहे पवित्र मनन दीप सत्संग सेवा संस्थान के संस्थापक गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा, वाल्मीकि जी महाराज के पद चिन्ह पर चलने वाले जीवन में श्रेष्ठता के साथ हमें भक्ति प्राप्त होती है। गुरुदेव ने कहा कि वाल्मीकि जी महाराज से हमें त्याग, समर्पणता, समाज सेवा, वीरता, दिव्य ज्ञान और धर्म पद पर चलने की विशेष शिक्षा मिलती है, जिसे जीवन में जरूर उतारना चाहिए। कालू राजा एंड पार्टी द्वारा वाल्मीकि जी महाराज और श्री श्याम भगवान के सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई और सभी इस दौरान सभी अतिथियों और मीडिया कर्मियों का फूल माला से स्वागत कर चिन्ह के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता पवित्र मनंदीप के संस्थापक एवं विश्व हिंदू परिषद के जिला सत्संग मुख्य गुरुदेव भास्कर भारद्वाज, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामनिवास यादव रहे।